हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज हम बना लेते हैं मधुर वड़ा। ये साउथ की रेसिपी है, तो मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मधुर वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा। तो ये मैंने एक कटोरी लिया है चावल का आटा, और जितना चावल का आटा है उसके आधा मैदा, और जितना मैदा है उसके हाफ मैंने सूजी ले रखा है। तो एक कटोरी चावल का आटा और उसके आधा मुझे मैदा, और मैदे के आधा सूजी। एक बार इन्हें मिक्स कर लेते हैं। और इसमें डालने के लिए मुझे चाहिए एक छोटी छोटे कटे प्याज, दो हरी मिर्च, थोड़े से अदरक जिसे मैंने बारीक काट लिए हैं, थोड़े से कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता का मेन फ्लेवर होता है इसमें, और थोड़ा सा लिया है मैंने धनिया पत्ता, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ ज़ीरा। स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक। और अब हम इन्हें एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा खस्ता करने के लिए मैं ले लूँगी इसमें गरम तेल। दो चम्मच मैंने इसमें गरम तेल डाल लिया है। जिस भी ऑयल में आप फ्राई कर रहे हैं उसी में से आप दो चम्मच अपने जो भी आप चावल का आटा जितना ले रहे हैं उसी हिसाब से इसमें मोयन डाल लीजिए। तो इससे हमारा मधुर वड़ा बिल्कुल खस्ता होता है। तो इस तरह हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद में इन्हें पानी डाल करके हम एक बार, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, एक सेमी सॉफ्ट डो इसका लगाना है, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज। मैंने इसमें चुटकी भर कलर के लिए हल्दी डाल लिया है, जो मैंने आपको बताया नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, हमें इस तरह का इसका सॉफ्ट डो लगाना है। तो ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इतने बड़े बड़े हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। और आप चाहें तो इसे इस तरह हथेलियों पे ही बना सकते हैं, ऐसे इस तरह आप हथेलियों पे रख के इसे बना सकते हैं। इतनी थिकनेस में ये ज़्यादा मोटा नहीं होता है, आप देख सकते हैं। आप थोड़ी अपने हथेलियों में तेल लगा लीजिए और इस तरह ही बना सकते हैं, या फिर आप एक प्लेट का इस तरह पिछला हिस्सा लीजिए और थोड़ा सा इस पर तेल लगा लीजिए, तो इससे भी बहुत आसानी से बन जाता है। और लोइयों को लीजिए और इस पर इस तरह आप हथेलिए से थोड़ा चपटा कर लीजिए, तो देखिए ये भी बहुत आसान तरीके से बन जाता है। या फिर आप चाहें तो इस तरह प्लास्टिक सीट लीजिए, ये मैंने एक प्लास्टिक सीट ले रखा है, और इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, और तेल लगा करके बहुत आसानी से इस पर भी इस तरह आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको कई तरीके बता दिए हैं, जो आपको आसान लगे वैसे आप बना सकते हैं। तो इसी तरह मैं अपने सारे मधुर वड़े को तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, और इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो आप एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक कर लीजिए कि हमें इसे मीडियम हीट पे फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं एकदम से ये ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम अपने मधुर वड़ा को इसमें डाल लेते हैं। एक साथ आप दो तीन आराम से डाल सकते हैं, और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो इसी तरह हमें इसे पलटते हुए करारा फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं तो ये दोनों तरफ से कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को डाल लेते हैं। तो आप इन्हें
चाय के साथ, नारियल की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।